हाँ जी साहब वेलकम टू तो माई कार हेल्प कैसे आप लोग देखिए पैसेंजर व्हीकल सेक्टर के इस वक्त हाल बड़े बुरे चल रहे हैं फाडा जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन उनकी स्टेटमेंट आई है सो यस एट एज ऑफ करंट वी डीलर्स आर सिटिंग एट अ वेरी ह्यूज इन्वेंट्री पाइल अप एंड ऑब्वियसली इट इज क्लियरली शोन हाउ ओईएम्स हैव इंक्रीज्ड देयर स्कीम्स फॉर द कस्टमर्स

जहां पे इंडस्ट्री का एवरेज टाइम था इन्वेंट्री होल्ड करने का डीलर एसोसिएशन पे 25 से 30 दिन का इट इज नाउ इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 75 टू डेज यानी डीलर शोरूम पे ऑलरेडी ढाई महीने की इन्वेंट्री स्टॉक पाइलअप है तो ऐसा क्या हो गया 2021 से 2024 तक ये पूरे मार्केट डायनामिक जो एक समय में सिलस मार्केट था 2022 में अर्ली 2023 के अंदर इट इज नॉट ट्रांसफॉर्म टू अ बायस मार्केट कारों पे डिस्काउंट ऑफर्स लदे हुए हैं लाखों की स्कीम चल रही है साहब जो पहला कारण है वो है निरंतर कार कंपनियों ने अपनी कीमतों में इजाफा किया जिस हिसाब से कार के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं इट वाज अनप्रेसिडेंटेड नेवर एवर सीन बिफोर दूसरी बात जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस है पहले भारत स्टेज फोर से भारत स्टेज 6 आया 2020 के अंदर उसके बाद BS6 फेस टू आया अभी कैफे नॉर्म्स आने वाले हैं कार कंपनीज अपनी इनपुट कॉस्ट उनको बढ़ानी पड़ रही है और फिर निकट भविष्य में भारत स्टेज 7 भी आएगा और साथ में टैक्सेस व्हिच इज जस्ट टू हाई 29% टू 50% फॉर द इंटरनल कंबशन इंजन कार्स प्लस रोड टैक्स अगेन अपटू टी परसेंट डिपेंडिंग कौन से स्टेट में है कौन सी गाड़ी है पेट्रोल है डीजल है किस कीमत आती है स्टीप टैक्सेस पड़ते हैं ऑन बाइंग कार्स तो कार मैनुफेक्चर भी प्रेशर में है करे तो क्या करे साहब इसमें आपके लिए क्या निकल के आ रहा है देखिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि डीलर शोरूम गाड़ी कैसे बेचता है डीलर शोरूम कार मैन्युफेक्चर से कार परचेस करता है एंड देर एंडलेक्ट रिटेलर इस प्रोसेस में होता क्या है डीलर शुरू अमूमन देखा गया है वो अपने खुद के फंड इस्तेमाल नहीं करता है दे गेट अन्वेंट्री फंडिंग फ्रॉम द बैंक जिसे कहते हैं होलसेल फंडिंग यानी बैंकों से वो अपनी लिमिट सेट कर लेते हैं और उस पर वो इंटरेस्ट पे करते हैं टू द बैंक जितनी वो लिमिट एग्जॉस्ट करते हैं तो अभी क्या होता है जितनी भी गाड़ियाँ डीलर शोरूम परचेस कर रहा है मैन्युफैक्चर से अगर वो समय पे सेल नहीं कर रहा है तो साहब उनका तो इंटरेस्ट डे बान डे बेसिस बढ़ता ही जाएगा और अगर वो इन्वेंट्री 75 डेज तक सेल नहीं हुई डेट मीन्स कि कस्टमर से पैसा नहीं आया तो उनकी इन्वेंट्री लिमिट पर भी बड़ा मेजर प्रेशर पड़ जाता है एंड अप पेइंग हायर इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर एक्साम्पल टाटा सफारी अगर 20 लाख रुपए में डीलर शोरूम कार मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहा है और अगर वो गाड़ी को 75 दिन ढाई महीने जो उस पर प्रेजेंट टाइम फ्रेम में सेल नहीं कर पा रहा है आप जानते हैं कितना उसको इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ गया एंड अप ऑलमोस्ट एज इंटरेस्ट कॉस्ट टू द बैंक और अगर यही नाकाबला आपको नंबर्स में हो गया पांच हैरियर का पांच सफारी का तो डीलर शोरूम इमिजिएटली दो लाख रुपए तो ऐसी नीचे आ गया प्लस कुछ हाल फिलहाल समय में देखा गया है जिस हिसाब से रेंटल्स बढ़ गए हैं जिस हिसाब से प्रॉपर्टीज महंगी हो गई है जिस हिसाब से मैन पावर की कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई है इट इज ऑल क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन द डीलर शोरूम आज की तारीख में समय ऐसा चल रहा है कि कंपनी का अगर दो आउटलेट है तो दोनों आउटलेट आपस में कंपीट कर रहे हैं मैं विश्वास कह सकता हूं अगर आपका एक नंबर डीलर पे पंच है दूसरे नंबर से दूसरे आउटलेट पर इंक्वायरी करेंगे पॉसिबली द अदर आउटलेट विल गेट यू अ बेटर डील अभी वो पहले आता था, था कि कार कंपनी कार्टिल पुट कर रही है कि इससे ऊपर डिस्काउंटिंग नहीं दे रही है पर जिस हिसाब से प्रेशर चल रहा है डिस्काउंट स्कीम्स आर नॉट बीन ऑफर्ड बाय द कार मैन्युफैक्चरर्स ओनली बट अक्रॉस बाय द दे डीलर्स वो सारे स्टैंडर्ड्स

इंडिया सिटी पे एक लाख के ऑफर दे रही है, है। अलकाजार का अलकाजार भी बड़े स्टीप डिस्काउंट चल रहे थे कौन से कार मैन्यूफेक्चर सोचेंगे टोटा हाईलेक्स के ऊपर करीब दस लाख रुपए डीलर के एंड से सेविंग मिल रही थी वो बता रहा हूँ जीप की कंपस और मेरिडियन दो से ढाई लाख रुपए के ऑफर्स कहीं नहीं गए हैं सिट्रो ऑल इन रेड निशान की मैगनाइट एक एक लाख रुपए की स्कीम चल रही है किया सेल्टोस पे एक लाख के ऑफर्स चल रहे हैं एम की ग्लोस्टर पे पांच लाख तक के ऑफर्स चल रहे हैं हेक्टर पे डेढ़ लाख की स्कीम है जेडस पे स्कीम है और ये बता रहा हूँ जो आप इससे बेहतर स्कीम भी ले सकते हैं अगर आप सीरियस कस्टमर हैं आप डीलर के उन पर नेगोशिएट करते हैं जिस हिसाब से कस्टमर्स आज की तारीख में अवेयर हो गए हैं नए नए मॉडल्स आ रहे हैं फेसलिट्स आ रहे हैं जिस हिसाब से कार मैनुफैक्चर की बाजार में एक्साइटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और कंपनी तो ऐसा बोल देते हैं कि हमारी आधे घंटे में एक लाख गाड़ियाँ बुक हो गई इतना हमने ये कर दिया वो कर दिया वो सब ढकोसला था इट वॉज ऑल अ फेक थिंग एक एक गाक गाड़ियाँ बुक हो रही हैं तब तो

या आप अनलेस क्या बोलूँ आप पे प्रेशर है कि मैं आज कार विदाउट डिस्काउंट लेके आ रहा हूँ वो बता रहा हूँ तो थार रॉक्स नई कार छोड़ दीजिए तो वो बता रहा हूँ क्योंकि पहले थार पे भी डिस्काउंट चल रहे थे वो बता रहा हूँ आपको रियलिटी तो थार रॉक्स अभी आने वाली है जब आएगी वो अलग बात है कहने का गर्ती है इंडस्ट्री के जो डायनामिक्स हैं वो बदल गए हैं आप कार लेने का प्लान कर रहे हैं अपने लिए बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए मैंने आपके लिए हाल फिलहाल में वीडियो बताते बताया था कि करीब 10 नए मॉडल्स बड़े बढ़िया एस सेगमेंट में निकट भविष्य में आने वाले हैं उस वीडियो को आप देखिए जितने ज्यादा नई कार्स बाजार में आएंगी उतना ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज होगा जिस हिसाब से कार मैनुफैक्चर एक्सपेंड कर रहे हैं डीलर की मर्जी के बगैर उनको कार बिल कर रहे हैं इनफैक्ट बता रहा हूँ आपको कंपनीज आर सेलिंग मोर कार टू डीलर्स देन वॉट द डीलर्स आर सेलिंग कार टू द इंडिविजुअल्स होलसेल के जो नंबर्स है वो रिटेल से ज्यादा है तो ये प्रेशर भी कार मैन्यूफेक्चर डीलर्स में बना रहे हैं जिसपे उनकी इन्वेंटरी फंडिंग लिमिट एग्जॉस्ट हो रही है इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है एंड दिस इज व्हाट नॉट क्रिएटिंग अ गेम कि अगर आप सीरियस कस्टमर हैं नेगोशिएट जरूर करिए एक डीलर से नहीं दो डीलर तीन डीलर को इन्वॉल्व करिए अक्रॉस द टेबल पहला डीलर बोल, बोल रहा है पचास हजार दे रहा हूँ दूसरा डीलर को बोलिए सत्तर हजार दे रहा है पहला डीलर आपस में आप एक बहुत ही अच्छी डील ले सकते हैं अक्रॉस द टेबल मैनुफैक्चर के कार्डेस तो लगते हैं लेकिन जिस हिसाब से अब ये ग्राउंड रेट निकल के आई है कि भैया डीलर को माल बेचेगा तो ही सर्वाइव कर पाएगा तो वो बात है अभी मेरे को पता ही थी मैं बताऊँ आपको रियलिटी अ अ डीलर टॉकिंग टू वो था कि पहले मैं इसका शोरूम का जो रेंटल है वो यूज टू पे इन सिक्स लाख रुपीज इट इज नाउ इंक्रीज टू नाइन लाख रुपीज़ मैन पावर की कॉस्ट भी बढ़ रही है और जो बैंकों के इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो गए हैं उनके जो स्टॉक है वो सिचुएशन पायलपोनी शुरू हो गई है तो ये वो सिचुएशन है या तो डीलर सर्वाइव करना में हट जाएगा इंडस्ट्री में या वो अपना माल निकालने के लिए एडी चोटी का जोर लगा देगा तो वो बता रहा हूं जहां पे कुछ कार मैन्यूफेक्चर की सेल्स की डिमांड बाजार में है वहां पे 90 परसेंट द कार्स नाउ द डीलर शोरूम्स और उस पर बड़ी बढ़िया डील आप ले सकते हैं तो ये एक ग्राउंड रियलिटी है जो आपको जानना जरूरी है अगर आप कार के बारे में प्लान कर रहे हैं

और वीडियो समझ में आता है तो साफ वीडियो को अपलोड करिए वीडियो को शेयर करिए चलो पर बनाए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर